एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर स्ट्रॉहैट पायरेट की शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर उस ऑक्टोपस को दवाई लगा रहा होता है और बोलता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। पीछे से लूफी उस ऑक्टोपस से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी। और इस सब के बाद स्ट्रॉहैट पायरेट उस ऑक्टोपस को पानी में छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना। यहाँ पर लूफी बोलता है कि तो फिर सब लोग तैयार हो जाओ दूसरे आइलैंड पर चलने के लिए, जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी रात हो रही है और हमें ये भी नहीं पता कि हम सब कहाँ पर हैं। नामी ये सुनकर बोलती है कि हमें यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि हमारे पीछे वो मंकी वाली फिश भी हैं, जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि तो फिर तो जल्दी यहाँ से निकलो। और ये कहने के बाद वो सब एक दूसरे आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर जया आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग डरे हुए होते हैं और बोलते हैं कि उसने बेलमे के ऊपर क्यों मारा, जबकि वो उसी का ही साथी था। यहाँ पर बेलमे और उसका साथी आमने सामने खड़े होते हैं और बेलमे का साथी बोलता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, पर पता नहीं कोई तो मुझे कंट्रोल कर रहा है। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एक वॉरलॉर्ड होता है जो बेलमे के साथी को कंट्रोल कर रहा था, जो बेलमे से बोलता है कि तुम हार गए, तुमने मेरे पायरेट फ्लैग के सिंबल को बदनाम किया और इसलिए मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। जिसे देखकर वहां के लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो वही सेवन वॉरलॉर्ड में से एक है और इसका नाम है डो फ्लेमिंगो, जिसके ऊपर वॉरलॉर्ड बनने से पहले 300 मिलियन बेरीज की बाउंटी थी, पर आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर डो फ्लेमिंगो बेलमे से बोलता है कि मुझे तुम जैसे बेकार के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे ही साथी के हाथों यहीं ख़त्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर्स की मदद से बेलमे के साथी को कंट्रोल करके बेलमे को बहुत तेज़ी से मार देता है, पर बेलमे वापस से उठता है और डो फ्लेमिंगो से बोलता है कि कैप्टन मुझे माफ़ कर दो और एक और मौका दो, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगा। जिसे सुनकर डो फ्लेमिंगो बोलता है कि तुम मेरे बहुत ज़्यादा वफादार हो, पर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि ये नई जनरेशन है जो अब से शुरू हो गई है, जहाँ पर बस वो पायरेट ही जिंदा रहेंगे जिन्हें जिंदा रहने का हक है, इसलिए माफ़ करना। और ये कहने के बाद वो बेलमे के ऊपर वापस से हमला कर देता है और बोलता है कि सब बदल गया, जो लोग कमज़ोर हैं उनमें से कोई भी नहीं बच सकता। फिर यहाँ पर स्ट्रॉहैट पायरेट की शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शांजी बोलता है कि पता नहीं अब हम अगले आइलैंड तक कब तक पहुँच पाएंगे। और तभी यहाँ पर उसॉप कुछ देखकर बोलता है कि वहाँ पर तो एक शिप है पर वो किसी पायरेट की तो नहीं लग रही, और लोगों को देखकर तो ये लग रहा है जैसे वो सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और तभी अचानक से वो मंकी वाली फिश वापस से स्ट्रॉहैट पायरेट्स के पीछे आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और तेज़ी से वहाँ से जाने लगते हैं।
यहाँ पर लूफी उस दूसरी वाली शिप पर आवाज़ लगाता है और बोलता है कि तुम सब भी जल्दी से इस शिप को मोड़ो, वरना तुम्हारी शिप भी नहीं बचेगी। जिसे सुनकर उस शिप के लोग बोलते हैं कि ये तो पायरेट का शिप है, चलो इसे लूटें, पर पहले हमें अपनी जान बचानी चाहिए। जिसके चक्कर में वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है कि पहले क्या करें, और इस सब की वजह से वो सब मंकी फिश उनकी शिप को पानी के अंदर गिरा देते हैं। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी बोलती है कि शायद हम किसी आइलैंड के पास आ गए हैं। जिसे सुनकर उसॉप रॉबिन से बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ दिखा। रॉबिन ये सुनकर बोलती है कि हाँ, मुझे एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। जिसे सुनकर लूफी और उसॉप बोलते हैं कि तुम्हें हमें ये पहले बताना चाहिए था। और इसके बाद उसॉप बोलता है कि सुनो, जब भी तुम्हें कोई आइलैंड दिखे तो ये बोलो। लूफी आगे उसे बताओ कि क्या बोलना था। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि दोस्तों, मुझे आइलैंड मिल गया। और इसके बाद वो डांस करने लगता है। उसॉप ये देखकर बोलता है कि हाँ, ऐसा बोलो, पर रॉबिन उसॉप की बात नहीं सुनती और बोलती है कि इस जगह पर तो बहुत ज़्यादा कोहरा है। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि इस आइलैंड पर क्या होगा। पीछे से उसॉप बोलता है कि वैसे वो शिप किसकी थी जिसमें कुछ अजीब से लोग भी थे, क्या वो कोई पायरेट की शिप थी। जिसे सुनकर शांची बोलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो सब पायरेट थे क्योंकि उनकी शिप पर पायरेट शिप का कोई निशान नहीं था और ना ही वहाँ पर कोई कैप्टन था। वैसे हमें उन सब से क्या मतलब, क्योंकि वो सब तो पानी के अंदर डूब गए थे। और इस सब के बाद स्ट्रॉहैट पायरेट उस कोहरे से होते हुए उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। पूरा का पूरा आइलैंड बिल्कुल खाली सा होता है। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि ये जगह तो कमाल की है, चलो नीचे चलें। और ये कहने के बाद वो उसॉप और चॉपर शिप से उतरकर उस आइलैंड पर चले जाते हैं। यहाँ पर नामी उस आइलैंड को देखकर बोलती है कि ये आइलैंड तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है और इसे देखकर ये लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। यहाँ पर स्ट्रॉहैट पायरेट आराम कर रहे होते हैं और तभी उन तीनों को अपने सामने एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है। जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो जानवर बहुत ज़्यादा लंबा होता है। चॉपर उसे देखकर बोलता है कि क्या वो कोई इंसान था। जिसे सुनकर लूफी उस जानवर के ऊपर चला जाता है और बोलता है कि नहीं, ये तो एक भालू है। जिसे सुनकर चॉपर और उसॉप बोलते हैं कि पर ये इतना ज़्यादा बड़ा कैसे है। और तभी लूफी वहाँ से एक फ्रूट तोड़कर उसे खाने लगता है और उसे खाकर बोलता है कि ये तो एक सेब है जो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी है। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि आखिर ये कैसी जगह है, यहाँ पर जानवर के साथ पेड़ और फ्रूट्स सब चीज़ें ही लंबी हैं। और तभी वो भालू चालाकी से घूमकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसॉप सामने की तरफ देखकर बोलता है कि लूफी, वहाँ पर तो एक घर भी है। जिसे सुनकर लूफी बोलता है
कि चलो वहाँ पर चलें, और ये कहने के बाद वो तीनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी उन्हें एक और अजीब सा जानवर दिखाई देता है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा होता है। और फिर एक और जानवर दिखता है जिसे देखकर लूफी बोलता है कि ये तो पक्का चॉपर का रिश्तेदार है। चॉपर ये सुनकर बोलता है कि नहीं, वो एक डियर है और मैं रेनडियर हूँ। और इस सब के बाद वो सब और आगे की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पर मिलता है उन्हें एक लंबा सा डॉग जिसे देखकर वो सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। लूफी उस डॉग को देखकर बोलता है कि मेरे से हाथ मिलाओ, जिसे सुनकर वो डॉग लूफी से हाथ मिलाता है। और यहाँ पर उसॉप बोलता है कि देखो चॉपर, मैं क्या करता हूँ। और ये कहने के बाद वो उस डॉग के नीचे से निकलने लगता है, जिसे देखकर चॉपर बोलता है कि तुम तो कमाल के हो। यहाँ पर लूफी उस डॉग से बोलता है कि नीचे बैठो, जिसकी वजह से उसॉप उस डॉग के नीचे आ जाता है। और इस सब के बाद वो तीनों फाइनली उस घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लूफी सीधा उस घर के अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि अगर यहाँ का मालिक बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ तो वो हम सबको मार देगा। लूफी ये सुनकर बोलता है कि पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं। और तभी बाहर से चॉपर उन दोनों को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि देखो मुझे यहाँ पर एक जिराफ दिखा, जिसे सुनकर लूफी और उसॉप वहाँ पर आ जाते हैं और उस जिराफ को देखकर बोलते हैं कि नहीं, ये कोई जिराफ नहीं बल्कि एक घोड़ा है। यहाँ पर लूफी उसॉप से बोलता है कि उसॉप सामने देखो, वहाँ पर तो बैम्बू हैं जो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। और तभी वो बैम्बू एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगते हैं, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि शायद इस बैम्बू में किसी की आत्मा रहती है। और ये कहने के बाद वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और उसे देखकर बोलता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने उस भूत को हरा दिया। यहाँ पर चॉपर और वो घोड़ा कुछ बातें कर रहे होते हैं और तभी पीछे से वहाँ पर उन दोनों को वो बैम्बू गिरने की आवाज़ आती है, जिसे देखकर चॉपर उस घोड़े से बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको, तब तक मैं देख कर आता हूँ। यहाँ पर लूफी एक आदमी को देखकर बोलता है कि तो फिर क्या यही है उस बैम्बू के अंदर की आत्मा। फिर यहाँ पर बाकी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो अपनी शिप से नीचे आ गए होते हैं, पर तभी पीछे से वहाँ पर एक और बड़ी सी शिप आ जाती है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप का रास्ता रोक देती है, जिसे देखकर ज़ोरो बोलता है कि तुम सब कौन हो और अगर लड़ाई करना चाहते हो तो फिर नीचे आ जाओ, जिसे सुनकर उस शिप के अंदर के पायरेट बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम सब फॉक्सी पायरेट्स हैं। फिर यहाँ पर वापस से लूफी उसॉप और चॉपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी बोलता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन। और इसके बाद लूफी उस आदमी से बोलता है कि कुछ तो बोलो, जिसे सुनकर वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम है टोंजित, वैसे तुम सबका शुक्रिया मुझे उन बैम्बू से नीचे उतारने के लिए। लूफी ये सुनकर बोलता है कि पर तुम उन बैम्बू के ऊपर गए क्यों, जिसे सुनकर टोंजित बोलता है कि मैं उन पर 10 साल पहले गया था और फिर कभी भी नीचे नहीं आ पाया, दिन बीतते गए
और ये बैम्बू बड़े होते रहे और मैंने अपनी लाइफ के 10 साल इन्हीं पर ही गुजारे और 10 सालों तक मैंने वो पेड़ के एप्पल ही खाए और उन्हीं से जिंदा रहा, जिसे सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। लूफी उससे बोलता है कि ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सब इतना ज़्यादा लंबा कैसे है, जिसे सुनकर टोंजित बोलता है कि ये तो मुझे भी सही से नहीं पता, पर एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें कोई जंगली जानवर खा ना ले। देखो वहाँ पर एक शेर है, जिसे सुनकर उस सब बोलता है कि क्या एक शेर भी है, पर वो शेर बिल्कुल भी डरावना नहीं होता, जिसे देखकर उस सब बोलता है कि ये कैसा शेर है। और तभी हमें यहाँ पर किसी को दिखाया जाता है जो दूर से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देख रहा होता है और लूफी को देखकर बोलता है कि तो फिर ये है इन सब का कैप्टन।